हमने हमने हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे एमएलए कौशल साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि जीएचएमसी का जो ऑफिस है, अभी जीएचएमसी का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डकर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे, हाँ वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंकमेंट जाती थी, वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं देखा सो हूं, नेकलेस रोड एफटीएल पर है, तोड़ो उसको आप, नेकलेस रोड एफटीएल पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको, उड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको, एफटीएल है, सीसीएमबी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, हिमायत सागर के पास बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने एक उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो पत्थर को, नहीं नहीं वो स्टोन्स लगाते थे कि ये एफटीएल है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको।